ना अफवाहें ना सनसनी ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। संविधान बचाओ के नाम पर कैसे कांग्रेस कर रही जाति कार्ड का इस्तेमाल, जाति व्यवस्था को लेकर आरएसएस की सोच। कुछ घटनाओं ने जाति आधारित राजनीति की ओर कांग्रेस के झुकाव का संकेत दिया, जो पार्टी में पिछले प्रधानमंत्री और नेताओं की प्रथाओं से परे नजर आया। लोकसभा चुनाव के शोर में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने अपने दावे किए। चुनाव से पहले कांग्रेस के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं होने की उम्मीद जताई जा रही थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी किसी तरह 2004 का इतिहास दोहराए जाने की उम्मीद कर रहे थे। उनका मानना था कि एनडीए का हश्र 2004 जैसा ही होगा जैसे इंडिया साइनिंग का नारा था। फिर भी आत्मविश्वास से भरपूर एनडीए चुनाव हार गया। इस बार 400 पार का नारा लगाती बीजेपी सरकार नजर आ रही थी। हालांकि 4 जून को जब नतीजे आए तो भाजपा ने एक दशक बाद लोकसभा में बहुमत खो दिया। फिलहाल वो लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी तो है, एनडीए को मिले जनादेश के सहारे सरकार चल रही है। 400 सीट से अधिक सीट जीतने का उसका दावा बुरी तरह से विफल हो गया। आरक्षित सीटों पर भाजपा की संख्या क्यों हो गई कम? लोकसभा चुनाव प्रचार के आखिरी 2 महीनों के दौरान सामाजिक न्याय और आरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के कारण भाजपा की आरक्षित सीटों की संख्या 77 से घटकर 55 हो गई। देश में कुल 131 निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, बिहार, पंजाब और पश्चिम बंगाल में अपने पास मौजूद 19 एससी सीटें खो दी। इसके अलावा उसे महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में 10 एससी सीटें भी हारी गई। कांग्रेस ने इनमें से 12 एससी सीटें और 7 एसटी सीटों पर बीजेपी से छीन ली। अन्य पार्टियों ने भी आरक्षित सीटों पर भाजपा की हार में योगदान दिया। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 5 एससी सीटें ले ली, कुछ बिहार में, तृणमूल कांग्रेस जीती, भारत आदिवासी पार्टी ने बांसवाड़ा सुरक्षित किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दुमका में जीत हासिल की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने डिंडोरी ले ली। भाजपा के लिए महत्वपूर्ण हार में झारखंड का खूंटी भी शामिल रहा, जहां कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा ने पूर्व सीएम और केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को लगभग 1.5 लाख वोटों से हराया। राजस्थान का बांसवाड़ा, जहां भारत आदिवासी पार्टी लगभग 2.5 लाख वोटों से जीती। कर्नाटक का चामराजनगर, जहां भाजपा कांग्रेस से 1.88 लाख से वोटों से हार गई। 2019 के चुनाव परिणाम में भाजपा ने अपनी सीटें 71 से बढ़ाकर 77 कर दी थी। वहीं कांग्रेस, जिसने 2019 में केवल 7 ऐसी सीटें जीती थी, उसने 2024 में अपनी गिनती 32 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों तक बढ़ा दी, जिसमें 19 सीटें भी शामिल है जिसमें भाजपा से छीनी थी। संविधान बचाओ और 400 पार का नारा। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि भाजपा की 400 पार की बयानबाजी के कारण देश भर में आरक्षित सीटों पर ऐसा नुकसान हो। उनका मत है कि उत्तर प्रदेश में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा की गिरावट और दक्षिण में आरक्षित सीटों पर उसका खंडित जनादेश रणनीतिक गलत कदमों, प्रभावों, विपक्षी संदेश और भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अद्वितीय सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता के संयोजन में प्रभावित हुआ। इंडिया ब्लॉक की यह धारणा कि भारी भाजपा बहुमत वाली सरकार संविधान के लिए खतरा है, मतदाताओं को असर कर गई। दलित बस्तियों में बाबा साहब द्वारा बनाए गए कानून से में संभावित बदलावों और उनके निहित सुरक्षा के खतरों के बारे में चिंताएं गूंज उठी। स्वयं भाजपा के बयानों से प्रेरित इन आशंकाओं ने मतदाताओं को सतर्क रहने और संविधान की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होने के लिए प्रेरित किया। इसने चुनाव परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आम मतदाता को लगा कि अगर संविधान बदल गया तो उसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा जाएगा। खासतौर पर दलितों को लगा कि वे सशक्तिकरण के स्रोत को खो देंगे। याद रखना चाहिए कि संविधान आमतौर पर अभिजात वर्ग के बीच चर्चा का विषय होता है, लेकिन इस देश की बहुसंख्यक दलित बहुजन आबादी के लिए सशक्तिकरण का प्रतीक भी है। जाति व्यवस्था पर आरएसएस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण जारी रखने का समर्थन किया। 2023 में एक संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि जब समाज को में भेदभाव है, आरक्षण भी बरकरार रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसका संघ के लोग समर्थन करते हैं। वहीं जाति व्यवस्था को लेकर भी संघ प्रमुख ने साफ किया कि भगवान ने हमेशा बोला है कि मेरे लिए सभी एक हैं, उनमें कोई जाति वर्ण नहीं है, लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई, वो गलत था। देश में विवेक चेतना सभी एक हैं, उसमें कोई अंतर नहीं, बस मत अलग अलग हैं। धर्म को हमने बदलने की कोशिश नहीं की, बदलता तो धर्म छोड़ दो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।